हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी मैथ्स 2 पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस इंट्रोडक्शन इज कंप्लीटेड इन लास्ट लेक्चर. टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज एंड द सम्स. क्वेश्चन नंबर 1, डायग्राम गिवन इन क्वेश्चन. क्वेश्चन इज इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन आरपी लाइन एमएस line RP line MS parallel. okay, parallel sign है ये, दोनों lines parallel है. and line DK is their transversal. transversal क्या था? जो भी parallel line को जो line intersect करता है वो हमारा transversal रहता है. so अभी यहाँ पे DK line क्या कर रहा है? intersect कर रहा है. so DK यहाँ पे हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है. ओके, एंड आफ्टर दैट डीएचपी, ये एंगल, जो एंगल का नाम लिखना है वो अल्फाबेट बीच में, मींस ये एच एंगल बीच में जो है, तो डीएचपी 85 डिग्री है. दैट 85 बेस पे फाइंड द मेजर्स ऑफ फॉलोइंग एंगल्स. ये जो 1 2 3 4 एंगल्स दिए हैं, ये एंगल्स हमें फाइंड आउट करना है. एक एंगल दिया है, दैट एक एंगल के बेस पे ये चारों एंगल्स हमें फाइंड आउट करना है. और ये चारों एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें लीनियर पेयर यूज होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स यूज होगा. तो ध्यान रखना है, एक लाइन पे जो एंगल्स होता है वो लीनियर पेयर कहेंगे, और लीनियर पेयर इक्वल नहीं होता. लीनियर पेयर एंगल प्लस करके 180 होता है, ये हमें ध्यान में रखना है. ओके, आफ्टर दैट वर्टिकल अपोजिट एंगल थ्योरम किया. ओके, दो क्रॉस लाइंस होते हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमें इक्वल होता है. एक एंगल सामने वाला, एक एंगल अगर 40 है तो दूसरा वाला 40 हो जाता है, थ्योरम में हमने किया. ओके, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में लिया है. करस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइन का ऊपर, सेकंड पैरेलल लाइन के ऊपर वाला, पैरेलल लाइन के नीचे वाला लिया तो पैरेलल लाइन के नीचे वाला होगा, तो मींस करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए हमें पैरेलल लाइन यूज होता है. तो जब भी हम करस्पॉन्डिंग एंगल यूज करेंगे तब पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल इंफॉर्मेशन लिखना है. ओके, वर्टिकल अपोजिट के लिए पैरेलल लाइंस नहीं होता, तो वहां पे हम पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल नहीं लिखेंगे. ओके, केयरफुली ध्यान दो स्टूडेंट्स. ओके, और इसके पहले हमने लीनियर पेयर लिया. लीनियर पेयर में भी पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल यूज नहीं होता. तो जब हम लीनियर पेयर यूज करेंगे तब पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल इंफॉर्मेशन नहीं लिखना है. वर्टिकल अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, इसमें हमें पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल इंफॉर्मेशन नहीं लिखना है. अल्टरनेट एंगल्स हमारे दो पैरेलल लाइंस में होते हैं तब हमें लिखना पड़ेगा. करस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइन पे डिपेंड है तो हमें पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा. इंटीरियर एंगल्स भी हमारे पैरेलल लाइंस पे ही डिपेंड है तो हमें पैरेलल लाइंस का इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा. आ रहा है समझ में? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, इन तीनों के वक्त हम पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल कौन सा है वो हमें बताना पड़ेगा. कब नहीं बताना है? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर एंगल्स हमें पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल इंफॉर्मेशन शो नहीं करना है. क्लियर? नाउ अभी ये एक दिया है 85. नाउ नेक्स्ट हमारा आरएचडी है. आरएचडी एंगल्स पे ध्यान अच्छे से दोगे तो समझ में आएगा. आरएचडी मतलब ये इसके साइड वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है. तो ये साइड वाला एंगल है, ये एक लाइन में आ रहा है. और जब एक लाइन में एंगल्स आते हैं वो क्या है? एक लाइन में आएगा वो स्ट्रेट एंगल, मतलब वो लीनियर पेयर हो जाएगा. ओके, और लीनियर पेयर दो एंगल्स है यहाँ पे. ये दोनों एंगल्स का लीनियर पेयर में क्या होता है? 180 होता है. एक एंगल 85 है तो दूसरा हमें 180 से माइनस करके मिल जाएगा. ओके, तो हम वो पहला आरएचडी शो करेंगे सॉल्यूशन में. मेजर एंगल डीएचपी
प्लस मेजर एंगल आर एच डी इज इक्वल टू 180 एंगल्स इन लीनियर पेयर, ब्रैकेट में रीजन डालना है, विदाउट रीजन 0 मार्क्स मिलेगा, रीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एंड आफ्टर दैट डीएचपी का वैल्यू पुट अप कर दिया, आर एच डी फाइंड आउट करना है, आर एच डी लिख दिया 180 ऐसे. ये जो फर्स्ट स्टेप हम लिखते हैं उसमें जो वैल्यू दिया है वही चेंज होगा, बाकी सब ऐसे ही कॉपी करना है. नाउ 85 यहां पे आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, आर एच डी बचेगा, सिर्फ वो फाइंड आउट करना है तो वो लेफ्ट में रहेगा. नाउ 180 पहले लिखना है और देन ये इधर आके माइनस होगा, तो 180 माइनस 85 करेंगे, आर एच डी हमारा 95 मिलेगा. आर एच डी ये इधर वाला 95, इधर वाला हमारा 85 है. नाउ पी एच जी ध्यान दो, पी एच जी तो ये जो पी एच जी एंगल है ये एंगल है, ये एंगल इसका अपोजिट हो जाता है, आर एच डी का अपोजिट हो गया, तो पी एच जी हमें अपोजिट करके मिल जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है. ये हमारा 95 मिला यहाँ पे, तो ये वाला हमें कितना मिलेगा 95. तो नेक्स्ट जैसे अभी हमने लीनियर पेयर यूज किया वैसे हमें पी एच जी के लिए वर्टिकल अपोजिट का कंसेप्ट यूज करके हम पी एच जी 95 फाइंड आउट कर लेंगे. नाउ सी दैट पी एच जी मेजर एंगल पी एच जी इज इक्वल टू आर एच डी वर्टिकल अपोजिट एंगल. ओके तो आर एच डी हमें कितना मिला है 95 था, देयर फोर पी एच जी कितना हो जाएगा 95 हो गया, पी एच जी मिल गया. क्लियर. आफ्टर दैट सेम अभी हमें नेक्स्ट कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, अभी हमें एच जी एस, एच जी एस ये वाला मीन्स ये जो पैरेलल लाइन है इसके ऊपर वाला एंगल, तो यहां पे भी अपने ऊपर वाला एंगल है, यहां का ऊपर का एंगल और यहां का ऊपर का एंगल दोनों क्या होता है इक्वल होता है, रीजन करस्पोंडिंग एंगल्स. ओके तो सब हम अगर करस्पोंडिंग एंगल कंसेप्ट यूज करना है तो हमें पैरेलल ट्रांसवर्सल इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा. सो लाइन आर पी पैरेलल टू लाइन एम एस, ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दिया है, वहां से कॉपी कर सकते हैं. एंड लाइन डी के इज द ट्रांसवर्सल, लाइन डी के क्या है ट्रांसवर्सल है, वो लिख दिया. आफ्टर दैट इन दोनों एंगल को इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, ये एंगल का नाम क्या है हमारा डी एच पी, और ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है उसका एंगल क्वेश्चन में नाम दिया है एच जी एस एंगल, मेजर एंगल एच जी एस इक्वल टू मेजर एंगल डी एच पी. नाउ डी एच पी हमारा 85 है तो एच जी एस कितना होगा 85, करस्पोंडिंग एंगल्स रीजन, जब यहां पे हम इक्वल दिखाते हैं तब भी ब्रैकेट में रीजन डाल देंगे, क्यों इक्वल है बिकॉज ऑफ वो करस्पोंडिंग एंगल्स है, दे आर करस्पोंडिंग एंगल्स. सो इन दैट द डी एच पी इज 85, सो एच जी एस कितना हो जाएगा हमारा 85 हो जाएगा. आफ्टर दैट हमें एम जी के फाइंड आउट करना है, एम जी के, बट ये एम जी के एच जी एस का अपोजिट एंगल है, ये हमें यहां पे मिला 85, तो ये हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स दोनों हो जाते हैं, जैसे ये इधर वर्टिकल अपोजिट हुआ था वैसे ये इसका वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा. एच जी एस का एम जी के क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये हमें 85 मिला तो एम जी के कितना मिलेगा 85, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है. सो वर्टिकल अपोजिट के वक्त हमें आरपी ये सब नहीं लिखना है, मेजर एंगल एम जी के इक्वल टू मेजर एंगल एच जी एस वर्टिकल अपोजिट एंगल, एच जी एस कितना मिला 85 है, सो एम जी के इज इक्वल टू 85, एम जी के इज इक्वल टू 85. क्लियर. ऑलमोस्ट कभी भी ऐसे एक वैल्यू दिया रहेगा बाकी का हमें फाइंड आउट करना है, तो मोस्ट ऑफ द करस्पोंडिंग एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स वर्टिकल अपोजिट लीनियर पेयर यही कंसेप्ट ज्यादा यूज करके हमें बाकी के वैल्यूज मिल जाते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर टू, इन एडजॉइनिंग फिगर लाइन पी, लाइन पी लाइन क्यू क्या है पैरेलल है, एंड लाइन एल एंड लाइन एम, लाइन एल एम एम आर ट्रांसवर्सल, ये लाइन दोनों थोड़ा क्रॉस है एकदम स्ट्रेट नहीं है, तो ये ट्रांसवर्सल है, ये एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट है विदाउट इंटरसेक्ट नहीं होगा, आगे हम बढ़ाएंगे तो ये हमारे पी और क्यू क्वेश्चन में पैरेलल दिया है, एल और एम हमें ट्रांसवर्सल दिया है. मेजर ऑफ सम
measure of some angles are shown. Hence, find the A, B, C, D. A, B, C, D. ये एंगल्स हमें फाइंड आउट करना है. ए बी सी डी ये ई एंगल्स हमें फाइंड आउट करना है. ई भी दिया है, ये सब फाइंड आउट करना है. ओके नाउ अभी क्वेश्चन में 110 दिया है, ये वाला 110 है. तो 110 ये वाला 110 है, तो साइड का ए, ए और 110 लीनियर पेयर हो जाता है. ये एक लाइन में आता है, ये दोनों एंगल्स, ये लाइन बीच में आता है कॉमन. तो ये दोनों एक लाइन में एंगल्स आते, तो मीन्स ये क्या होगा हमारा लीनियर पेयर. एंगल ए प्लस 110, तो 110 प्लस मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर है. एंड एंगल ए फाइंड आउट करना है, 110 इधर आके माइनस करके हमारा एंगल ए 70 डिग्री हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन का लीनियर पेयर का जो स्टेप है वही सेम स्टेप किया है, बट वहां पे एंगल्स के नेम थे, यहाँ पे एंगल्स का नाम नहीं दिया है, ए बोला है तो हम ए यूज करेंगे. नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट ई फाइंड आउट किया है. ई बिकॉज ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है और ये वाला हमारा एल हम ट्रांसवर्सल यूज करेंगे. तो ये दो पैरेलल लाइन के बीच में हमारा 110 और ई आता है. तो दो पैरेलल लाइंस के जो अंदर एंगल रहेगा वो क्या रहता है हमारा इंटीरियर एंगल्स, और इंटीरियर एंगल्स सम ऑफ 180 होता है. ओके तो 110 प्लस एंगल ई इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 180. तो इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइन लिखना पड़ेगा, पी और क्यू पैरेलल है, ट्रांसवर्सल हमने एल यूज किया, एल डालेंगे, एम यूज नहीं हो रहा तो एम नहीं लिखेंगे. यहाँ पे एंगल ई प्लस 110 इज इक्वल टू 180 इंटीरियर एंगल्स. ई फाइंड आउट करना है, 110 अगेन माइनस करके कितना आएगा, एंगल ई इज इक्वल टू 70 डिग्री. एंगल ए कितना मिला था हमें, 70 डिग्री मिला था. नाउ ई और बी क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. यस ये यहाँ पे ये दो लाइन क्रॉस हो रहा है तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे. ई हमें 70 मिला, बी कितना मिलेगा हमें 70. तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई वर्टिकल अपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री हो जाएगा. बी हमारा 70 डिग्री हो गया, मतलब ये दो पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल था वहां पे ए ई बी फाइंड आउट कर दिया. अभी हमें एम ट्रांसवर्सल लाइन यूज करके सी और डी फाइंड आउट करना है, सी और डी फाइंड आउट करना है. तो अभी ध्यान देना है, ये वाला लाइन जो ट्रांसवर्सल है उस पर ध्यान मत दो, ये वाला लाइन पे ध्यान दो. ये दो हमारे पैरेलल लाइंस है, ये एम इज अ ट्रांसवर्सल. सो ये पैरेलल लाइन का ऊपर वाला एंगल सी, ये पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल हमारा 115 है. तो ऊपर ऊपर के एंगल्स, जो भी पैरेलल लाइन के ऊपर वाले एंगल्स है वो क्या होता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल. सो सी इज इक्वल टू 115 मिलेगा, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स के वक्त हमें पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल शो करना है. सो हम लिखेंगे लाइन पी, लाइन क्यू क्या है ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल है. आफ्टर दैट एम इज अ ट्रांसवर्सल. नाउ एम ट्रांसवर्सल है, एंगल सी इज इक्वल टू कितना मिलेगा, एंगल सी इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख देंगे, बट बिकॉज यहाँ पे कुछ इक्वल तो दिखाएंगे नहीं, ये और ये इक्वल दिखाना मीन्स यही स्टेप हो जाता है हमारा. मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 115 ब्रैकेट, रीजन इज इम्पॉर्टेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंड आफ्टर दैट डी फाइंड आउट करना है. तो अब ये डी 115 और डी एक लाइन में आता है, ये एक लाइन में आता है, ये दोनों एंगल्स मीन्स लीनियर पेयर. सो 115 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 लीनियर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स हो जाएगा. एंगल डी फाइंड आउट करना है, 115 माइनस करेंगे 180 से 65, एंगल डी इज इक्वल टू 65. यहाँ पे ध्यान देना, ये ऊपर वाला एंगल था, ये ऊपर वाला एंगल मीन्स अ करस्पॉन्डिंग एंगल. सी हमें 115 करस्पॉन्डिंग से मिल गया, डी कैसे मिलेगा हमें, ये दोनों साइड साइड में एंगल एक लाइन कॉमन हो रहा है, मतलब ये हमारा एक लाइन में एंगल्स है तो ये लीनियर पेयर एंगल्स. तो लीनियर पेयर दोनों को प्लस करके हमें कितना मिलता है 180. यहाँ पे हमने एंगल ए और 110 का किया था लीनियर पेयर, सेम यहाँ पे 115 और डी का कर रहा है, तो हमें एंगल डी 65 आ जाता है. क्लियर, एंगल डी हो गया, मतलब यहाँ पे दो अल्फाबेट थे, यहाँ पे तीन अल्फाबेट, टोटल फाइव अल्फाबेट हमने फाइंड आउट कर दिए. नाउ क्वेश्चन नंबर
थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, एडजॉइनिंग फिगर लाइन एल और लाइन एम पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और अगेन एल और एम ये लाइन भी पैरेलल है, एन और क्यू लाइन भी पैरेलल है, ये दोनों लाइन भी पैरेलल बोला है क्वेश्चन में, और ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, ट्रांसवर्सल बोला ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब ये हम पैरेलल यूज करेंगे तो इसे हम ट्रांसवर्सल ले सकते हैं, अगेन दैट जब हम ये पैरेलल लेंगे तो इसे भी ट्रांसवर्सल यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये हम पैरेलल यूज करेंगे तब हम इसे ट्रांसवर्सल यूज करेंगे। जो पेयर पैरेलल यूज कर रहे हो तो दूसरे वाले पेयर को हम ट्रांसवर्सल ले सकते हैं जब पूरा पैरेलल दिया होगा तो, और दैट बेस पे ए बी सी फाइंड आउट करना है। नाउ ए बी सी फाइंड आउट करना है, अभी यहां पे 45 डिग्री इधर दिया है, ये दो लाइन पैरेलल, क्यू क्यू को हम ट्रांसवर्सल यूज करेंगे, तो ये पैरेलल लाइन के ऊपर वाला 45 है, तो ये पैरेलल लाइन के ऊपर वाला यहाँ पे डी, क्वेश्चन में डायग्राम में डी दिया नहीं है, वो अल्फाबेट डायग्राम में हाईलाइट करके मैंने लिया है डी करके, बिकॉज ये फाइंड आउट करेंगे तो हम ये आगे का फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये 45 है तो यहाँ पे अल्फाबेट नहीं था, ए बी सी है, सी के बाद डी आता है, वो डी डायग्राम में हम खुद लेंगे। तो नाउ डी एंगल डी फाइंड आउट कर दिया पहले, बट उसके लिए पैरेलल लाइन शो करना पड़ेगा, ये पैरेलल है और ये क्यू हमारा ट्रांसवर्सल है, वो इंफॉर्मेशन लिख दिया। सो डी इज इक्वल टू 45 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स, डी 45 हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स करके, देन आफ्टर दैट हम बी यूज कर सकते हैं, बी फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज हमें कौन सा मिलेगा इधर बी के साथ, और कौन सा है, हमें यहाँ पे D मिला तो हम B फाइंड आउट कर लेंगे, ये दोनों, ये एक लाइन में एंगल आ रहा है यहाँ पे, अच्छे से ध्यान देना, ये एक लाइन में, अगर यहाँ पे तो A फाइंड आउट करके वर्टिकल अपोजिट करेंगे तो भी चलेगा, बट अभी ये दोनों लिया है D और B लिया है, तो D और B 180, D हमें मिल गया, कितना मिल गया 45, B फाइंड आउट करना है, 45 इधर आके माइनस करके हमारा 135 आएगा, B इज इक्वल टू 135 आ जाएगा, तो B 135 आ गया, तो A कितना होगा वर्टिकल अपोजिट करके A मिल जाएगा, ओके A हमें कितना मिलेगा 135। नाउ एंगल A और एंगल B वर्टिकल अपोजिट एंगल, A इज इक्वल टू 135। नाउ A मिल गया, A मिल गया, उसके बाद ये यहाँ पे ये लाइन पैरेलल और ये वाला ट्रांसवर्सल, तो ये लाइन के नीचे वाला एंगल लिया, तो ये एंगल का नीचे वाला, तो नीचे नीचे का एंगल है तो वो भी करस्पॉन्डिंग, जैसे हम ऊपर ऊपर का लेते हैं वैसे नीचे नीचे का भी पेयर करस्पॉन्डिंग होता है। सो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और बी हमारा कितना है 135 है, तो सी कितना होगा हमारा 135, यहाँ पे ए शो किया था बी के बेस पे, तो बी हमें मिला था 135, सो सी कितना मिलेगा हमें 135, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आया समझ में। तो यहाँ पे हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स, ये तीन ही ज्यादा यूज हुआ आज के लेक्चर्स में, तो ये तीनों का अच्छे से मीनिंग हम अगर माइंड में ध्यान रखेंगे तो सब में हमें अप्लाई करने के लिए इजी पड़ेगा, और वो समझने के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए भी इजी पड़ेगा। क्लियर, थैंक यू।